हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर इलेवन मेलिंग एंड माइनिंग द वेब सो लेट्स बिगिन ईमेल्स ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं टैबलेट हो सकते हैं लैपटॉप हो सकते हैं या फिर आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है तो जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मीडियम से टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस सेंड करते हैं यूजिंग इंटरनेट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल नाउ देर आर अ वैरायटी ऑफ बेसिक ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन एन ईमेल, जैसे कि आप अपने ईमेल को रीड कर सकते हैं जो आपने रिसीव करा है आप एक न्यू ई क्रिएट कर सकते हैं यानी कंपोज कर सकते हैं यू कैन रिप्लाई टू अ रिसीव्ड ई यू कैन फॉरवर्ड इन टू अ थर्ड पर्सन आपको जो एक ई मेल रिसीव हुआ है आप उस ई मेल को किसी थर्ड पर्सन को एज इट इज फॉरवर्ड भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो एड अटैचमेंट्स टू एन ई मेल अटैचमेंट्स यानी कि फाइल्स फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन आपने सेंड कर दी या कोई डॉक्यूमेंट आपने सेंड कर दिया या कोई इमेज आपने सेंड कर दी अपने टेक्स्ट मैसेज के साथ नाउ वेन वी कंपोज एन ई मेल such type of a compose window appears on the screen. Now there are some common fields of this compose window that you must understand. सबसे पहले अतियर To field. टू फील्ड में हम अपने रिसीवर के ई मेल एड्रेस को mention करते हैं यानी कि जिसे हम email भेज रहे हैं उसकी ई मेल आई यहाँ लिखी जाती है हम मल्टीपल रिसीवर्स को भी एक साथ सेम ई मेल सेंड कर सकते हैं बाय प्लेसिंग अ कॉमा इन बिटवीन नेक्स्ट फील्ड इज सब्जेक्ट यहाँ पर आपके ई मेल से रिलेटेड फोर या फाइव वर्ड्स का एक सब्जेक्ट ऐड किया जाता है एंड सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज थ्रू द सब्जेक्ट दैट द रिसीवर डिसाइड्स वेदर ही और शी वॉन्ट्स टू रीड द ई मेल और नॉट अब जब हम मल्टीपल एड्रेसेस पर एक ई मेल को भेजते हैं तो उसके साथ हमें दो ऑप्शन यूज करने को मिलते हैं फर्स्ट वन इज सी सी ऑल्सो कॉल्ड कार्बन कॉपी इसमें क्या होता है कि आपने अगर एक ई मेल मान लीजिए फाइव एड्रेसिस पर सेंड किया है तो उन पांचों एड्रेसेस के रिसीवर्स को पता होगा कि उनके अलावा ये ई मेल और किन चार लोगों को भेजा गया है बट देर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो एंड दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसमें भी आप सेम मैसेज मल्टीपल एड्रेस पर भेजते हैं लेकिन यहां पर एक रिसीवर को नहीं पता होता कि उसके अलावा ये ईमेल कितने और लोगों को भेजा गया है नेक्स्ट कम्स एड्रेस बुक इट गिव्स अस द फ्रीडम फ्रॉम रिमेंबरिंग नेम्स एंड गिव्स द एडवांटेज टू इजीली रिकॉगनाइज ईच ई मेल एड्रेस फ्रॉम द निक नेम ऑफ द एड्रेसी नाउ वेन वी टॉक अबाउट सेंडिंग ई मेल्स एट मल्टीपल एड्रेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर द ई मेल आई डी ऑफ ईच एंड एवरी रेसिपियंट so what we can do is we can create an address book and we can save the details of each and every recipient as a contact in this address book so address book ko istemal karne se hame ye freedom mil jati hai ki hame kisi ki bhi email id ko yaad rakhne ki zarurat nahi hoti agar hame individual ka name bhi dhyan hai तो हम उसके nickname से ही उसके email address को find easily कर सकते हैं और उसको email भेज सकते हैं Now आप कोई भी ई सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप उसमें एक एड्रेस बुक क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ई मेल सर्विस आपका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आई विल बी यूजिंग जी मेल फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेप्स ऑफ हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉन्टेक्ट इन द एड्रेस बुक सो एडिंग न्यू कॉन्टैक्ट तो सबसे पहले जी के लिए मैं अपने गूगल अकाउंट पे लॉग इन करूंगी और मैं ओपन करूंगी कॉन्टैक्ट डॉट गूगल डॉट कॉम यहां पर मुझे क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा सो आई विल क्लिक ऑन दिस अ क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट विंडो विल अपीयर और यहां पर हम अपने रेसिपी की सारी डिटेल्स एंटर करेंगे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नेम द ई मेल आई डी द फोन नंबर ऑल द डिटेल्स विल बी एंटर एंड देन आई विल क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू सेव दैट कॉन्टेक्ट इन द एड्रेस बुक नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन आई एडिट अ कॉन्टैक्ट अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है और अब आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे अपने पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को जिसमें आपको एडिटिंग करनी है यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट के राइट right साइड पर ही आपको एडिट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एडिट कॉन्टैक्ट विंडो अपीयर हो जाती है और जो आपने पहले से इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड वो सारी आपको डिस्प्ले हो जाती है तो यहां पर सपोज आप फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली वो चेंजेस कर सकते हैं इरेज करके एंड आफ्टर दैट यू विल चूज द सेव ऑप्शन टू सेव द चेंजेस मेड टू द कॉन्टैक्ट नेक्स्ट इज डिलीटिंग अंटेक्ट अगर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को रिमूव करना चाहते हैं एड्रेस बुक से देन अगेन यू विल चूज द कॉन्टैक्ट स्टैप देन यू विल सेलेक्ट द पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट दैट यू वॉन्ट टू डिलीट और ऊपर आपके पास थ्री डॉट्स आते हैं और वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट का चूज द डिलीट ऑप्शन एंड योर कॉन्टैक्ट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द एड्रेस बुक द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग सिग्नेचर नैन यू राइट लेटर्स और एप्लीकेशन आप हमेशा लास्ट में अपना सिग्नेचर करते हैं राइट इससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर लेटर आपने भेजा है इसी तरह से आप अपने ईमेल अकाउंट से आउटगोइंग मेल्स पर अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं अ सिग्नेचर इन एन ईमेल मीन्स वन और मोर टेक्स्ट लाइंस विच विल बी ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड टू एवरी आउटगोइंग ईमेल आपके ईमेल अकाउंट से हर वो ईमेल जो भेजा जा रहा है उसके लास्ट में आप एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं यह सिग्नेचर टू थ्री वर्ड्स का भी हो सकता है टू थ्री लाइन का भी हो सकता है इट कैन बी योर फेवरेट कोड और एनीथिंग एल्स नाउ हाउ केन आई एड सिग्नेचर तो आप अपने जी मेल अकाउंट में सेटिंग्स ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सी ऑल सेटिंग्स जब आप सी ऑल सेटिंग्स को चूज करेंगे तो सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर का यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू जब हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेम न्यू सिग्नेचर विंडो आ जाएगी जहां पर हम अपने सिग्नेचर को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन वी विल सेव ऑल द चेंजेस मेड टू द सेटिंग्स एंड द सिग्नेचर विल बी एडेड टू आर अकाउंट द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पैम कंट्रोल नाउ आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आपके जी मेल अकाउंट में एक अलग से स्पैम फोल्डर होता है और वहां पर आपको सारे स्पैम ई मेल्स आते रहते हैं ठीक है दीज आर नॉट द ई मेल्स एट यू आज फॉर ये ई मेल्स आपके फ्रेंड्स या आपके स्कूल से आप नहीं रिसीव कर रहे हैं ये ई मेल्स आप रिसीव कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी से सो अ मेल इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ ई मेल फॉर एडवर्टीजमेंट टू पर्सन इट

अगर एक पर्टिकुलर स्पैम ईमेल है जो बार बार ही मैं रिसीव कर रही हूँ तो आई कैन रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर ई मेल एज अ स्पैम ताकि फर्दर मुझे वहां से ई मेल आने ब्लॉक हो जाए बंद हो जाए सो फॉर दैट मैं अपने इनबॉक्स में अपने पर्टिकुलर मेल को सेलेक्ट करूंगी और ऊपर मेरे पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट स्पैम उसको चूज कर लूंगी सो बाई दिस आई हैव मार्क् माई ई मेल एज अ स्पैम नाउ वेन इट कम्स टू सेंडिंग ई मेल्स देर आर समेट दैट वी मस्ट फॉलो क्योंकि एक्चुअली में आप जब ई मेल सेंड कर रहे हैं तो अदर एंड पर भी ई मेल एक ह्यूमन ही रीड कर रहा है और वही आपको रिस्पॉन्स दे रहा है यू आर नॉट कमिकेटिंग विदीन ओके तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है द फर्स्ट इज थिंग कैन रीड द ई मेल बिफोर क्लिकिंग ऑन सेंड बटन आप अपने ई मेल को क्रिएट करने के बाद एक बार उसे जरूर रीड करें और तभी सेंड करें देन We must not use capital letters as they are considered impolite. अपने ई मेल में कैपिटल लेटर्स को यूज करना एक तरह से शाउटिंग को रिजेंबल करना होता है इसलिए वी मस्ट अवॉइड टाइपिंग आर मेल्स इन कैपिटल लेटर्स नेक्स्ट इज डोंट सेंड लार्ज अटैचमेंट्स. अगर आप काफी ज्यादा बड़ी बड़ी अटैचमेंट्स भेजेंगे तो उससे जो रेसिपेंट का ई अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा आपके इतनी बड़ी अटैचमेंट से और अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है देन ही और शी माइट नॉट बी एबल टू डाउनलोड दो अटैचमेंट्स एज वेल नेक्स्ट इज प्रूफ रीड योर ई मेल्स टू अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स हमेशा हमें अपने ई मेल को कम्पोज करने के बाद प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए यानी कि एक खर रीडिंग करनी चाहिए ताकि अगर कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर है तो हम उसे करेक्ट कर सके सेंड करने से पहले अगर हम अपने ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट नहीं करते तो उससे मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हो जाते हैं एंड लास्ट इज मेंशन द इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है आपके इनबॉक्स में जब कोई ईमेल रिसीव होता है तो आप उसमें सब्जेक्ट लाइन बिना ई को ओपन किए रीड कर पाते हैं तो आपके ईमेल की सब्जेक्ट लाइन बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट लाइन के बेसिस पर ही रिसीवर ये डिसाइड करता है कि वो ईमेल उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं उसे रीड करने की जरूरत है या नहीं नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आफ्टर दैट वी डिस्कस द बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी ऑन एन डेल लाइक रीडिंग राइटिंग रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ई next we discuss the address book that address books gives us the advantage of easily recognizing each email address from the nickname of the addressee after that we discuss that we can add delete and edit contacts in our address book we discussed the signature that a signature in an email means one or more text lines which will be added automatically at the end of every outgoing mail and lastly, we discussed spam. Spam mail is the practice of sending huge volumes of email for advertisements to persons who have not asked for it. That's it for today's video.